नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। NSUI के बीते कई प्रदर्शन से तुलना की जाए तो आज के प्रदर्शन में भीड़ भी थे। बेरोजगारी के खिलाफ NSUI का हल्ला बोल, दिल्ली में निकाला छात्र अधिकार मार्च। NSUI के बीते कई प्रदर्शन से तुलना की जाए तो आज के प्रदर्शन में भीड़ बीते कई सालों से कहीं ज्यादा दिखाई दी। प्रदर्शन में पहुंचे छात्रों ने कहा कि कई परीक्षाएं देने के बावजूद सालों तक उनका नतीजा नहीं आता, जिस कारण छात्रों के कई साल बर्बाद हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी नेता पार्थ चटर्जी को CBI ने आज पूछताछ के लिए समन भेजा। जनवरी में खुदरा महंगाई 4.6% थी, जबकि फरवरी में यह बढ़कर 5.3% हो गई है। क्वाड की बैठक से पहले तिलमिलाया ड्रैगन, मोर्चेबंदी तेज होते देख बोला चीन, तीसरे देश को ना बनाए निशाना। चार देशों के इस गठबंधन के शीर्ष नेताओं की यह पहली बैठक है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा, भारत ब्रिक्स SCO के लिए नकारात्मक संपत्ति बन गया है। गोधरा में रहने वाला ISI शख्स NIA के गिरफ्त में है, उसके खिलाफ एजेंसी ने याचिका दायर की है। विशाखापट्टनम जासूसी का मामला एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट से संबंधित है, जिसमें पाकिस्तान में स्थित और भारत के विभिन्न स्थानों से जुड़े लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार रात करीब 8:45 पर ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि आयुर्वेद और चिकित्सा के पारंपरिक रूपों को बढ़ावा देने के लिए यह महोत्सव एक सराहनीय प्रयास है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में 13 ट्रांसजेंडर को कांस्टेबल के रूप में भर्ती किया गया है। इन लोगों ने छत्तीसगढ़ पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे हमारे समुदाय को देखने के लोगों के तरीके में बदलाव आएगा। भारतीय टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने साफ कर दिया कि इंग्लैंड के खिलाफ आगे के मैचों में भी टीम किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी। भारत के पहले मैच में 8 विकेट से हार मिली थी। विराट कोहली पहले T20 में शून्य पर हुए आउट, उत्तराखंड पुलिस ने कर दिया ट्रोल। विराट को इस तरह से शून्य पर आउट होने को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने चुटकी ली है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर पर कोहली के आउट होकर वापस जाती हुई तस्वीर पोस्ट करते हुए एक संदेश लिखा है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज आर्या से डेब्यू करने वाली अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने हाल ही में सीरीज के दूसरे सीजन की घोषणा की थी। अब उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर कर सीरीज का प्रचार करना शुरू कर दिया है। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। नमस्कार।